आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे याद करेंगे, मैं आपको पूरा मेथड बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले आप लोगों ने एक ऐसा चार्ट तैयार करना है पीरियोडिक टेबल का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये पार्ट है। तो इसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमने पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक में सिर्फ नोबल गैसेस आती हैं, जिनके ग्रुप 18 एलिमेंट्स ही आएंगे। सेकंड पीरियड में ये वाली लाइन आ रही है, थर्ड में ये वाली लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। पहले ऐसा एक चार्ट बना लीजिए, उसके बाद टर्न बाय टर्न इनको कैसे याद करना है मैं लिखता भी जाऊंगा और बोलता भी जाऊंगा। और यहाँ पे आपको समझ नहीं आए आप वीडियो को बैक कर सकते हो, रोक भी सकते हो जो लिखना हो। चलो शुरू करते हैं हम ग्रुप 13 एलिमेंट से। ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरान, सिंबल है इसका बी, एल्युमिनियम एल, गैलियम, इंडियम आईएन, इंडियम और थैलियम टीएन। इसको हम ऐसे छोड़ेंगे। दीज आर प्रपोज्ड एलिमेंट्स, आपने ग्रुप 6 तक ही याद करने हैं। हाँ फिर सुनिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब प्ले वे मेथड भी मैं आपको बताते जाऊंगा। प्ले वे मेथड में हम इनको ऐसे याद करते हैं, बाल गंगाधर, बाल बी ए एल, गंगाधर, गे इंडिया थाईलैंड, गे ऐसी, बी बोरान, ए एल एल्युमिनियम, बाल गंगाधर गैलियम, गे तो ऐसे रहेगा, इंडिया थाईलैंड आई एन और टी एल। ये आ गया प्ले में मैथड। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रख रहे हैं हमने, तो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद यहां पे हम एक मेथड चलाएंगे, 5 में अगर हम 8 प्लस करें, 5 में हमने 8 प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 30, 13 आ गया। 13 में हमने 18 प्लस करना है, 8, 18, 18 और 32 प्लस करते जाएंगे तो नीचे वाले के एटॉमिक नंबर आते जाएंगे। यहाँ पे हमने 8 प्लस किया तो आ गया एल्युमिनियम। फिर उसके बाद 18 प्लस करेंगे, 18 में 13 प्लस करने हैं तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 1, 2, 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर आ गया 31, 31 में फिर हमने 18 प्लस करने हैं, 31 में हम 18 प्लस करेंगे, 8 और 1, 9, थ्री और फोर 49, क्योंकि 18 प्लस। हाँ इसके बाद 49 में हमने 32 प्लस करना है तो 32 प्लस करेंगे, 9 और 2 प्लस करिए उसमें 1, तो यहां पे आ गया हमारे पास 81। थैलियम का एटॉमिक नंबर आ गया 81। फिर सुनिए, इसमें 8, 18, 18 और 32 प्लस करते जाएंगे, यानी कि 8, 18, 18 एंड 32 प्लस करते जाएंगे तो नीचे एटॉमिक नंबर इनके आते जाते हैं। और ग्रुप 13 में एक बात हमने और याद रखनी है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है इसमें, तो हम ऐसा करते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरल लिखते जाएंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है, चलो इसको ले लेते हैं हम पहले, NS2। एस ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ही हैं पूरे, NS2, NP 1 से लेकर
सिक्स तक आ सकते हैं कहीं भी, कभी वन, कभी टू, कभी थ्री, कभी फोर, कभी फाइव और कभी सिक्स इलेक्ट्रॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एनएस टू एनपी वन से सिक्स तक इलेक्ट्रॉन। अब हर ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बताएगी, देखिए एन एस टू और एन पी वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें थ्री है, एस में टू और पी में वन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सबके लिखते हैं, देखो बोरान के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, पीरियड कौन सा है सेकंड पीरियड, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे आ जाएगा 2s 2 और 2p1। बड़ा सिंपल मेथड है, क्योंकि सेकंड पीरियड में है तो सेकंड शेल s ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p1। ऐसे ही थर्ड पीरियड में 3s2 एंड 3p1। थर्ड पीरियड में है एल्युमिनियम तो 3s2 3p1, ऐसे ही गैलियम 4s2 और 4p1, ऐसे ही इंडियम का 5s2 5p1, तो थैलियम का आ गया 6s2 6p1। ग्रुप बैलेंसी भी इसके साथ करते जाएंगे हम, ग्रुप बैलेंसी इसकी है 3, तो इसका मतलब आप लोगों ने माइंड में रखना है, जब भी ये एलिमेंट आएंगे तो बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इनके बोरान 3 पॉजिटिव ही आता है, ये 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, गैलियम 3 पॉजिटिव, ग्रुप बैलेंसी 3 पॉजिटिव, सब 3 पॉजिटिव, इसको ऐसे ही आ रहा। हर एलिमेंट की बैलेंसी 3 पॉजिटिव। बैलेंसी होती क्या है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, बैलेंसी इज इक्वल टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर आर 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव बैलेंसी कैसे आएगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉजिटिव बैलेंस बैलेंसी 3, तो ग्रुप बैलेंसी आ गई हमारे पास 3। तो अब शुरू करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर यहां 5 है तो यहां 6 वाला आएगा, वो है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहां 5 था यहां 6 वाला आ जाएगा, यहां 7 वाला, यहां 8, यहां 9 और यहां 10, ये पीरियड ऐसे चलता है सीधा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, इनके सिंबल ऐसे लिखते जाओ और याद करते जाओ, मुंह से बोलते जाओ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। आप प्ले वे मेथड, वो बच्चे जो ऐसे नहीं रख सकते, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, फिर कांसी गे संत प्रभु, कांसी गे संत प्रभु, सी एस आई कांसी जी ई गे एस एन संत और पी वी प्रभु, कांसी गे संत प्रभु, सिंपल मेथड वही चलेगा। अब जब आपके पास ये ट्रिक आ गई, जब आपने ये याद किया है, आप इसकी मदद से भी इनके एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, अगर ये 13 है इसको प्लस करके लाओ नहीं तो सीधा 14 दिया जाएगा, ये 31 है ये वाला 32 एटॉमिक नंबर होगा इसका, 49 इसका 50 50 81 और इसका आ जाएगा 82। अब तो बड़ा आसान हो जाएगा जी, क्योंकि सिस्टमेटिकल वे में चलेगा, और आप ग्रुप में वैसे भी याद कर सकते हो, 8 प्लस करो इसमें, इसमें 18, इसके एटॉमिक नंबर में फिर 18, इसमें 32 ये आ जाएगा, इनको इस तरह से याद करना है। जैसे हम हर स्टूडेंट का नाम अता पता याद रखते हैं, वैसे ही एलिमेंट की पोजीशन, उसका एटॉमिक नंबर, वो कहाँ पे है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है,
उसकी वैलेंसी क्या है, ये सारी बातें याद रखनी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। हाँ, उसके बाद कोई भी केमिस्ट्री फिर मुश्किल नहीं लगती जब तक आप ये नहीं याद करोगे। फिर ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इस ग्रुप की, ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनती है हमारे पास, NS2 NP2। सिंपल, इसकी NP1 थी, इसकी NP2, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंसी ऑफ द ग्रुप, टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। फिर वही मेथड हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p2 2s2 और 2p, सॉरी 3s2 3p2, क्यों, क्योंकि यहां पे थर्ड पीरियड चल रहा है। ऐसे ही 4s2 4p2, ये फिफ्थ पीरियड है, 5s2 एंड 5p2। ऐसे ही 6s2 और 6p2, ये आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसकी भी बैलेंसी आप लोग ऐसे ही याद करो, अच्छी बात है, कार्बन 4 पॉजिटिव या फिर 4 नेगेटिव भी आता है, कार्बन कभी 4 पॉजिटिव कभी 4 नेगेटिव, क्यों बैलेंसी 4, ऐसा क्यों है 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, क्योंकि जब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 4 निकाल दिए तो 4 पॉजिटिव। दूसरा मेथड है नेगेटिव बैलेंसी वाला, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 4 नेगेटिव। तो दोनों मेथड कार्बन पे अप्लाई हो जाते हैं। कार्बन शोज टू टाइप ऑफ बैलेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी 4 पॉजिटिव मे बी 4 नेगेटिव। ऐसे ही सिलिकॉन ग्रुप बैलेंसी, तो हम यहां पे चलाएंगे 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, यहां पे भी 4 पॉजिटिव, यहां पे भी 4 पॉजिटिव, ये चीज आपने पूरी माइंड में रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है 15, ग्रुप 15 में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाद एटॉमिक नंबर 7 वाली है नाइट्रोजन, तो यहां से नाइट्रोजन शुरू हो जाएगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी एंड बिस्मथ, Sb, एंटीमनी का सिंबल है Sb, बिस्मथ Ba। हाँ, फिर सुनो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सिंपल मेथड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का ऐसे देखो मेथड, वो वाला चलाओ, जे चलाओ, 14 के बाद 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस, 32, 33 आ गया आर्सेनिक, 51 एंटीमनी और 83 आ गया बिस्मथ। फिर ग्रुप बैलेंसी, ग्रुप बैलेंसी इसकी है 3 नेगेटिव, उससे पहले हम करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे लिखेंगे, इनके जनरल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP3, यानी कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 हैज 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इस तरह से सेकंड पीरियड में 2s2 और 2p3, 3s2 3p3, ऐसे ही 4s2 4p3, 5s2 5p3,
6s2 और 6p3 ये प्रपोज्ड एलिमेंट्स। आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन। अब बात आती है ग्रुप वैलेंसी। नाइट्रोजन एक गैस है, जब गैसें शुरू हो जाए यहाँ से आगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इससे आगे बाकी वाले जो एलिमेंट हैं हमारे सेकंड पीरियड के सभी आमतौर पे नेगेटिव बैलेंसी दिखाते हैं। ग्रुप बैलेंसी नेगेटिव है इनकी, तो नाइट्रोजन थ्री नेगेटिव तो ग्रुप बैलेंसी है ही थ्री नेगेटिव। बैलेंसी इज थ्री, यहाँ पे नेगेटिव सम पे लगा थ्री नेगेटिव। कैसे आई? 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके आ गई। बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5, 8 माइनस 5 करो तो कितना बच गया 3, तो बैलेंस इज 3 नेगेटिव। यहां पर प्लस माइनस नहीं चलाना है हमने, वो वाला मैथमेटिक्स वाला, हमने ये रखना है कि वो वाले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पीछे जो बचते हैं वो नेगेटिव बैलेंस ही दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे पास आगे आ गया ग्रुप 16 ऑक्सीजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर अब 8 वाला आएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, टी टेलूरियम एंड पोलोनियम, वो छुट्टी भी सिखाएगा क्योंकि हाँ छुट्टी भी सिखाएगा। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो नीचे ऐसे। अब हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम। हाँ, इसका मैं प्ली में मैथर भी बोल देता हूँ, जो बच्चे परेशान होते हैं कि हम ऐसे नहीं जा कर सकते, उनके लिए सुनो क्या है इस ग्रुप 15 का। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बीमार। तो वैसे भी कोरोना चल रहा है आजकल, बीमारी का डर रहता है, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी बीमार। तो इसका प्ले में मैथ सुन लो। ओ सन सी टेलीफोन, ओ सन सी टेलीफोन, कोई बाप कह रहा है अपने बेटे को मुझे टेलीफोन पे मिलो, आज का मोबाइल है वैसे टेलीफोन कम हो गए। तो चलो हम शुरू करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर का एटॉमिक नंबर यहां से भी 16 आ जाएगा, ये 15 है जी 16, 33, 34, 51 इसका है, 52 इसका आ जाएगा, बिस्मत 83 इसका आ जाएगा 84। ये सिस्टमेटिकल वे में चलता है। अब हमारे पास जनरल ग्रुप बैलेंस, ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, ग्रुप बैलेंस भी आएगी, पहले जनरल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है हमारी। NS2 NP4, जब ऑक्सीजन की लिखेंगे 2S2 और 2P4, जब इसकी लिखेंगे 3s2 3p सॉरी 3 नहीं अफकोर्स में अभी हम 3 में ही है 3p 4, हाँ फोर्थ पीरियड में 4s2 4p 4 5s2 5p 4 6s2 और 6p4। सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप 16 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन बैलेंस ही है 2 नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, गैस वाला ग्रुप है, इसमें नेगेटिव बैलेंस ही आएगी। कैसे आई? 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके आ गई, 8 फार्मूला, तो 6 है इसके, इस ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, सेलेनियम, टेलूरियम 2 नेगेटिव, पोलोनियम सारे के सारे 2 नेगेटिव, इस तरह से याद करो उनको। फिर इसके बाद आता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये मैंने इसकी वीडियो अलग भी बनाई थी, चलो इसमें बना देता हूँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन
ब्रोमीन आयोडीन एस्टार्टी। हाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टार्टीन। नेम्स आप पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हो। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका आ गया 17, इसका 35, इसका आ गया 53, इसका आ गया 85 और यहाँ पे प्रोपोज एलिमेंट। फिर वही बात आती है, इसकी जनरल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। फ्लोरीन की जब लिखनी होगी हमने 2s2 और 2p5, 3s2, 3p5, 4s2, 4p5, ऐसे ही 5s2 और 5p5, 6s2 और 6p5। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टार्टीन। अगर फिर आपको मुश्किल पड़ रही है, प्ले वे मेथड भी बताता हूं मैं आपको। फिर कल बारात आएगी, फिर कल बारात आएगी अतुल्य की, और कोई नाम ले लो। तो अपने मेथड से आप इसको ऐसे भी जा कर सकते हो, फिर कल बारात आएगी अतुल्य। अब हमारे पास आ गया ग्रुप 18, नोबल गैसेस, जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं। ये फर्स्ट पीरियड में होती है हीलियम। एटॉमिक नंबर्स का 10 नीचे वाले का नियान कहा गया 10, क्योंकि इसमें 8 प्लस की, इसमें 18 और 32 प्लस होंगे। इसमें मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड भी है। उसके बाद हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनान एंड रेडा। चलो प्ले वे मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। हीना नीना क्रीना, हीना नीना और करीना भी कह सकते हो आप। हीना नीना और करीना, और भी है यहाँ पे, फिर सुनिए। हीना नीना और करीना जीते रहे, आपने से बनाना है जो मजबूत डालो। हीना नीना और करीना जीते ही रहे और जीते ही रहेंगे। हाँ, इसके बाद आ गया हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 36, 54, इसका आ गया 86। नोबल गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट के याद कर देना है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखोगे, यही नोबल गैस हमने इसमें फिट कर देनी है, इसकी बन जाएगी। ये वाली हम यहाँ किसी में भी लगाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये तो मैंने लिख दिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें भी यही आएंगे, लेकिन थोड़ी एडिशन हो जाती है अगली बार, वो भी मैं आपको अलग बताऊंगा। अब बात आती है इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। नोबल गैस में कंप्लीट शेल हो जाता है। यहाँ हमारे पास पी में 8 इलेक्ट्रॉन और एस में 2, तो हमारे पास ये 1s है या तो 2, इसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो हमारे पास बनेगा 1s2, बस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन, बाकी 10 नहीं आएंगे। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 बन जाएंगे, पूरे 10 इसका एटॉमिक नंबर है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस 8, तो टोटल इसमें 10 हो गए। बैलेंस 8 कैसे बनेंगे, 2s2 तो 2p6, पी में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। 3s2, 3p6,
4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 और 6p6 डाउन की इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन। तो इसकी हम ग्रुप वाले भी देते हैं जनरल NS2 और NP6 क्योंकि नोबल गैसेस में बैलेंस 88 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब रही बात इसकी बैलेंसी की, नोबल गैसेस है जीरो बैलेंसी, इनकी जीरो बैलेंसी है क्यों, 8 में से 8 निकालो तो जीरो है, ये गैसेस सारे फार्मूला वही चलेगा 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पी ब्लॉक को हमने इस तरह से याद रखना है। हाँ कुछ एक दो बातें और भी याद रखेंगे इसके साथ, मैं अभी बता देता हूँ आपको। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बार हम जब आगे फार्मूले बनाएंगे उसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बताओ भाई इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो ये तीन है हमारे पास ग्रुप 15, 16 और 17 जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं यहां से आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन अपने पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है। कौन सा वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है जी? जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और बैलेंस है 3, एक पेयर बच गया ना। 3 इलेक्ट्रॉन वो यूज करेगी बॉन्ड बनाने के लिए, वन पेयर बचा, यानी कि नाइट्रोजन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है अपने पास। तो आप ऐसे जा रखोगे वन लोन पेयर, ऐसे मैं यहां लिख देता हूं वन लोन पेयर। एस नेगेटिव फॉर्म में ये फास्फोरस भी रख सकती है, कोई भी रख सकता है इसमें से एलिमेंट। ग्रुप में भी आप ऐसे जा रखो, इस ग्रुप में वन लोन पेयर आ सकता है। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 मेथिल वही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, ऑक्सीजन की बैलेंस ही दो ही बांड्स बनाती है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगी, पीछे कितने बच गए बैलेंस में से, 6 है इसके, 4 बच गए, 4 रहेंगे, 2 पेयर बनके 2 पेयर हो गए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगी बांड बनाने के बाद। ऐसे ही फ्लोरीन रखेगी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन जब ये नेगेटिव फॉर्म में होगी, जब ये सेंट्रल मेटल एटम एक्ट नहीं करेगी, तब इनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 से बांड बना लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन से, पीछे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे इसके पास 3 लोन पेयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लास्ट में इनको ठीक ठाक याद करना है। एक शेर मैं आपको बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो इसको याद नहीं करो आगे पीछे, मैं आपको पूछूं भाई बता इसका एटॉमिक नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप गलत बोलो तो फिर मैं बोलूंगा पढ़िया पुत्र जट ते 9 दूने पूरे 8। थोड़ा हट जाऊंगा लास्ट में, वीडियो को जरूरी लास्ट तक देखो, अच्छी तरह से याद करो। ये नहीं, लीडरशिप क्वालिटी वही होती है जो रास्ते से हट जाए, बनता वो लीडर नहीं, जो भी काम करो बस पूरा करो, कंप्लीट करो। अगर किसी की वीडियो आप देखते हो उसको ध्यान से देखो, एंड तक देखो, उसका एंजॉय करो। तो मैं अब थोड़ा साइड पे हटता हूँ, अगर चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके थैंक्स।